हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस एम टू मैथ्स वर्ल्ड एंड वेलकम टू क्लास सिक्स। दिस इज द सीरीज ऑफ ऑक्सफर्ड में एंजॉयिंग मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सिक्स। सी स्टूडेंट्स, मैंने इस चैनल पे मैथ्स के ऑक्सफर्ड बुक के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। उन सारे वीडियोज के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जो भी वीडियो आपको यूजफुल लगेगा वो जरूर देख लेना, ठीक है। टूडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 10C विच इज बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, रोशन ट्रेवल्स 45 किलोमीटर इन 54 मिनट्स। रोशन 54 मिनट्स में कितना ट्रेवल करता है? 45 किलोमीटर। हाउ मेनी मिनट्स विल ही टेक टू ट्रेवल 70 किलोमीटर? तो 70 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको कितने मिनट्स लगेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना मिनट लगते हैं वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, सारे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके देती हूँ, आपको सिर्फ चेक करना है और बिना देख के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे देखो, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 45 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 54 मिनट्स। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 54 अपॉन 45 करोगे तो आपको 1.2 मिनट्स मिलेगा। मतलब 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगता है? 1.2। तो 70 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या मिला? 84 मिनट्स। है कि नहीं, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 2, 20 बार्स ऑफ चॉकलेट्स कॉस्ट ₹320। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सच चॉकलेट बार्स। यहाँ पे 20 चॉकलेट बार की प्राइस दी है 320 और हमें 35 चॉकलेट बार्स की प्राइस फाइंड आउट करने, लेकिन उसके पहले हमें 1 चॉकलेट बार की कॉस्ट कितनी है वो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। सो सी, कॉस्ट ऑफ 20 बार्स कितनी है? ₹320। तो 1 चॉकलेट बार की प्राइस के लिए हम क्या करेंगे? 320 अपॉन 20 करेंगे, कितना मिला? ₹16। तो अभी 1 का मिला है तो हम क्या करते, 1 की प्राइस पता है, ऐसे 35 के हमें प्राइस फाइंड आउट करने हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या आंसर मिला? ₹560। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 40 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज ₹2000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। 40 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी है? ₹2000। तो 50 मीटर्स की कितनी होगी ये फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें 1 मीटर की कितनी कीमत है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 40 मीटर ऑफ क्लॉथ कितनी है? ₹2000। तो 1 मीटर के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्या मिला? ₹50। तो 50 इंटू अभी 50 करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? 2500। नंबर 4, इफ अ ट्रेन कवर्स 195 किलोमीटर इन 3 आवर्स, वॉट डिस्टेंस विल द ट्रेन कवर इन 5 आवर्स ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड। एक ट्रेन है वो 3 आवर में 195 डिस्टेंस कवर करती है, तो 5 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये पूछा है। तो यहाँ पे भी हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये फाइंड आउट करेंगे हम पहले, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इन 3 आवर्स इज 195 किलोमीटर। सो 1 आवर का कितना होगा, डिवाइड किया मैंने, कितना मिला मुझे? 65 किलोमीटर। सो अभी हम 65 × 5 करेंगे क्योंकि 5 आवर्स का पूछा है, तो आंसर क्या मिला? 325 किलोमीटर। मतलब वो 5 घंटे में 325 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानास इज ₹60। हाउ मेनी बनानास कैन बी परचेज फॉर ₹12.50। 4 डजन बनाने की कॉस्ट दी है ₹60, तो हम यहाँ पे पहले 1 डजन बनाने की कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो 4 डजन बनाने की कॉस्ट है ₹60, तो 1 डजन के लिए हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, कितना मिला? ₹15। अभी हमें पूछा है कि 12.50 में हम कितने बनानास परचेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें पहले 1 बनाना की कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने इसको 12 से डिवाइड किया। 12 से क्यों? क्योंकि 1 डजन इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ पे 12 से डिवाइड किया, आंसर मिला ₹1.25। सो अभी 12.50 में कितने बनानास परचेस होंगे ये फाइंड करने के लिए मैंने इसको 1.25 से डिवाइड किया, तो मुझे आंसर क्या मिला? 10 बनानास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉस्ट ऑफ 30 पेयर्स ऑफ ग्लव्स इज ₹450। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 पेयर्स ऑफ ग्लव्स। 30 पेयर्स की कॉस्ट है 450, तो 16 पेयर्स की कितनी होगी ये फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले 1 पेयर की कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। 30 पेयर्स की कॉस्ट यहाँ पे कितनी है? ₹450। तो 1 पेयर की कितनी है ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने 30 से डिवाइड किया, आंसर मिला 15। तो 16 पेयर की कॉस्ट कितनी है? 15 × 16 किया तो क्या आंसर मिला? 240। क्वेश्चन नंबर 7, द वेट ऑफ 90 बुक्स इज 50 kg। फाइंड द वेट ऑफ 180 सच बुक्स। 90 बुक्स का वेट 50 kg है तो 180 बुक्स का कितना होगा, तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम पहले 1 बुक का वेट फाइंड करेंगे, ठीक है।
90 बुक्स का वेट कितना है 50 kg, तो वन बुक का वेट कितना है ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया, 90 से डिवाइड किया 50/90, तो क्या मिला मुझे 0.55 kg। तो वन बुक का कितना है 0.55 kg। तो ऐसे 180 बुक्स का हमें फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 180 से। तो यहाँ पे आपको ये आप सॉल्व करोगे 0.55 kg तो आपको ये सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए इसको आप ऐसे ही रखोगे 50/90 × 180 करोगे, ठीक है। सो 90 × 90, 90 × 180 × 50 × 100, तो कितना है 100 kg। क्वेश्चन नंबर 8, अ मोटर बाइक ट्रेवल्स 165 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक मोटर बाइक 3 आवर्स में 165 किलोमीटर ट्रेवल करती है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 440 किलोमीटर। 440 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। एक मोटर बाइक 3 आवर्स में 165 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वो 1 आवर में कितना करेगी ये फाइंड आउट करने के लिए हम 160/3 करेंगे, तो किया क्या आंसर मिला 55 किलोमीटर। तो 44 किलोमीटर के लिए उसको कितना टाइम लगेगा ये फाइंड आउट करने के लिए हमने फिर से उसको क्या किया, 55 से डिवाइड किया, तो क्या मिला 8 आवर्स। नंबर 9, शानू स्पेंड्स ₹15,000 इन 3 मंथ्स, हाउ मेनी मंथ्स विल शी टेक टू स्पेंड ₹45,000। शानू 3 मंथ्स में इतना रुपीज स्पेंड करती है, तो 45,000 स्पेंड करने के लिए उसको कितने मंथ्स लगेंगे ये पूछा है। शानू स्पेंड ₹50,000 इन 3 मंथ्स, तो 1 मंथ में वो कितना स्पेंड करती होगी ये फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 से उसको डिवाइड किया, तो आंसर मिला ₹5,000। अभी वो 45,000 स्पेंड करने के लिए कितने मंथ्स लेती होगी ये पूछा है, इसीलिए 45,000/5,000 किया, तो क्या आंसर मिला 9 मंथ्स, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे पूछा होता कि मतलब वो 1 मंथ में 5,000 स्पेंड करती है तो 9 मंथ में कितना करेगी, तो हम 9,000 × 5,000 करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है कि 45,000 में वो कितना मंथ करती है, ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे हमने डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 10, द रेंट ऑफ अ रूम फॉर 4 मंथ्स इज ₹4,500। 4 मंथ का कितना है ₹4,500। व्हाट इज द रेंट ऑफ द रूम फॉर ईयर, तो ईयर का कितना होगा, तो इसके लिए पहले हमें 1 मंथ का फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 4 मंथ का जो रेंट है वो 4,500 है, तो पहले हम 1 मंथ का फाइंड करेंगे, क्या मिला 1,125। अभी 1 ईयर का पूछा है और 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इसीलिए इस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर मिला 13,500, ठीक है। सो हियर अवर एक्सरसाइज 10C इज ओवर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व चैप्टर चेकअप ऑफ दिस लेसन। थैंक यू सो मच।